अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा द्वारा कमिश्नर अनीता सिमेश्राम के साथ मेरठ मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी भवन में स्थापित आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक भी उपस्थित रहे। नवनिर्मित भवन में कोरोना वायरस से संक्रमित महिला अथवा पुरुष सस्पेक्टेड तथा कन्फर्म मरीजों के लिए अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज में लगभग 200 मरीजों के रखे जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक तथा अन्य सहायक कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर यहां पर मरीजों को रखे जाने की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। अन्य चिकित्सा सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध बताई गई है। आइए जानते हैं क्या बता रही हैं अनीता सिमेश्राम। हाँ देखिए, इसमें जैसे कोरोना वायरस का इस समय चल रहा है तो शासन से निर्देश जो आए हैं कि हम लोग जिले में अपनी तैयारी रखें एहतियात के तौर पर, और उसमें सारी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं कि अगर पेशेंट्स अगर पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखना। तो उसी आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया मेडिकल कॉलेज में, उसी का मैं और जिलाधिकारी मेरठ इसको देखने आए थे, और पूरी तैयारी है हम लोगों की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोरोना और स्वाइन फ्लू को लेकर जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई इसमें सिर्फ सावधानी बरतने वाली बात है। इसमें आप सभी जानते भी हैं कि बस हाथों को अपना साफ रखना है, हाथ मिलाएं ना, नमस्ते करें, अपने हाथ को समय समय पर धोते रहें, गर्म पानी या गुनगुना पानी तरल पदार्थ लेते रहें, छींक वगैरह अगर आती है तो डिस्पोजेबल टिश्यू यूज़ करें, बाजू में छींकें, बेसिकली इस बेसिक साफ सफाई का ध्यान रखना है तो आराम से ये कंट्रोल हो सकता है, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही जान लेते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर राजकुमार CMO। ये निरीक्षण इसलिए हुआ था कि जिस कोरोना वायरस के लिए हमें एक आइसोलेशन वार्ड बनाना था, तो ये डिसाइड किया गया है प्रशासनिक लेवल पे कि इसको यहीं पे बनाया जाए मेडिकल कॉलेज में, जिससे कि ये आबादी से थोड़ा सा दूर भी है और इसका पैसेज अलग है और नया वार्ड है और कोई मरीज़ हम इसमें भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसलिए डिसाइड किया गया कि यहीं पे वार्ड बनाया जाए। और इसमें आज जो भ्रमण किया है इसमें सब कुछ ठीक है, सारी लॉजिस्टिक इसमें पूरी हैं और जो भी लॉजिस्टिक की कमी होगी तो वो हम इसमें पूर्ति करेंगे। सर, कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से? इसमें इंतजाम केवल आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत होती है, दूसरा टेस्ट जो होता है, टेस्ट हमारा दिल्ली जाता है, उसके लिए हम जब भी सैंपल होगा हम भिजवाएंगे, और इसमें जितना हमें PPE किट चाहिएगी, 95 मास्क चाहिएगा, जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम उपलब्ध कराएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और शासन से बजट मांगेंगे। सर, वहीं अगर बात करें तो N95 मास्क जो हैं वो ब्लैक में परचेस हो रहे हैं, उनको लेकर क्या? वो जो पब्लिक अपने लिए खरीद रही है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका साइज़ जो है वो 400 माइक्रोन का है और उसके लिए N95 की ज़रूरत नहीं है आम आदमी को, पेशेंट को लगाने की ज़रूरत है, पेशेंट लगाए जिससे कि वो ना फैलाए दूसरों को, आम आदमी को इसमें ज़रूरत नहीं है, वो केवल सिंगल लेयर का मास्क या सिंगल लेयर का कपड़ा भी अगर चेहरे पे बांधेगा तो दैट्स एनफ। अभी कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं क्या? मेरठ में कोई केस नहीं पाया गया अभी। और इस क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने हाथ में ना छींकें, टिश्यू पेपर या उस पर छींकें कपड़े पे, या कपड़ा भी अवेलेबल ना हो तो अपनी बाँह पे छींकें, और जो भीड़भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, जो खांसला छींक रहा हो उससे अपनी दूरी बना के रखें, और सैनिटाइजर का वहाँ पे प्रयोग करें जहाँ पानी साबुन ना मिल रहा हो, जहाँ पानी साबुन है वहाँ साबुन से हाथ धोना है, 20 सेकंड तक धोना है प्रॉपर तरीके से, और आँख नाक मुँह पे अपना हाथ कम से कम लगाना है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए FirstBite.TV।